हाय ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सब टीज मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। और हाँ गाइज, आपको मैं बता दूँ, ये मेकअप लुक क्रिएट करने में बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आपको देखना है मैंने कैसे ये मेकअप किया है तो ऑब्वियसली आपको वीडियो आगे तक जरूर देखना पड़ेगा। और हाँ गाइस, मुझे टीज के बारे में इतना ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज है कि टीज में हमेशा ग्रीन और रेड कलर वेयर किया जाता है, तो उसी हिसाब से मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है और रेड कलर बिंदी और रेड कलर लिपस्टिक के साथ। तो चले ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते और देखते ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है रिच फील का मॉइस्चराइजर। इसे मैं अपनी फुल फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी ताकि मेरा जो स्किन है अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। अगर आपके पास रिच फील का मॉइस्चराइजर नहीं है तो आपकी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे ये वाला मॉइस्चराइजर आजकल बहुत ज्यादा पसंद है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है, आप भी ट्राई कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं ले रही हूँ एनोय बेकअप प्राइमर। इससे मैं अपनी चीक पे अप्लाई कर लूंगी, इससे मेरा स्किन का जो ओपन पोर्स है वो हाइड हो जाएगा, साथ ही साथ मेरा जो बेस मेकअप है वो भी फ्लॉलेस लगेगा। ठीक है, आपको प्राइमर जरूर अप्लाई करना है। प्राइमर से आपका स्किन का जो टेक्सचर है बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं कलर करेक्ट करूंगी। इनसाइड कॉस्मेटिक का कलर करेक्टर लिया है मैंने, यहाँ पे ग्रीन कलर करेक्टर लूंगी। इससे मैं अप्लाई कर रही हूँ रेड एक्ने स्पॉट के ऊपर। अगर आपकी स्किन पे कोई भी स्पॉट वगैरह नहीं है तो इसे आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरा थोड़ा बहुत आजकल हो गया है तो इसीलिए मुझे कलर करेक्ट करना जरूरी है, तो यहाँ पे मैं कलर करेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत डार्क सर्कल का भी प्रॉब्लम हो गया है, सो इसी कलर करेक्टर से मैं ऑरेंज करेक्टर ले रही हूँ। इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अंडर आई पे जहाँ पे मुझे डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिएगा। ठीक, जल्दी जल्दी मैं इसे कलर करेक्ट कर लेती हूँ। देन यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन। तो आज के लिए मैं फाउंडेशन ले रही हूँ स्टेक वर्की का फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन जो है लाइट कवरेज देता है। अगर आपको लाइट कवरेज पसंद नहीं है तो आप इसे मेरी जैसा 3 से 4 पंप ले लीजिएगा, तब आपको मीडियम कवरेज मिल जाएगा। अगर आपको मीडियम कवरेज पसंद नहीं है, 1 या 2 पंप ले लीजिएगा, लाइट कवरेज आपको मिल जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे सेम ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया है, लेकिन ब्रश की हेल्प से जब हम ब्लेंड करते हैं थोड़ा बहुत हर्स लाइन दिखाई देता है, तो हर्स लाइन को हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से फिर ब्लेंड किया है। तो आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से डायरेक्ट फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हो। देन फेस को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एनवाई बे का कंसीलर। इसे मैं अपने अंडर आई पे अप्लाई करूंगी, अपनी नोज पे अप्लाई करूंगी, साथ ही साथ मैं अपने आईब्रोज के ऊपर भी अप्लाई करूंगी, ताकि मैं जब अपने आईब्रोज को फिल करूँ तब मेरे आईब्रोज थोड़ा इन्हेंस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी नोज पे भी मैंने अप्लाई कर लिया है। अभी सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आई मेकअप के लिए पहले से ही मैंने कंसीलर को अप्लाई कर लिया है अपनी आई लिड के ऊपर, और इसे भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कंसीलर को ब्लेंड कर लेती हूँ। और हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं नॉर्मल स्पीड पे रख रही हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए मैंने कैसे ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो सॉरी इस वजह से। तो अभी बार आते हैं कॉन्ट्रोल की। कॉन्ट्रोल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ग्लैम 21 का पैलेट में से ये कॉन्ट्रोल सेट। इससे मैं अपने फेस को कॉन्ट्रोल करूंगी ताकि एक डायमेंशन मिल जाए मेरे फेस पे, क्योंकि फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हमारा जो फेस है ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाता है, तो डायमेंशन लाने के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रोल करना जरूरी है। और ये कॉन्ट्रोल पैलेट मुझे बहुत दिनों से पसंद है। अगर आप मुझे पहले से मेरा वीडियो आप देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं ये कॉन्ट्रोल पैलेट आजकल बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। पाउडर कॉन्ट्रोल और ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो आजकल मुझे पाउडर कॉन्ट्रोल ही ज्यादा पसंद है अप्लाई करने में। तो सेम कॉन्ट्रोल सेट से मैं अपने नोज को भी कॉन्ट्रोल कर रही हूँ। ठीक है, देन अभी बारी आते हैं पिंके ब्लश अप्लाई करने की। तो यहाँ पे मैं आज पिंक ब्लश तो अप्लाई नहीं करूंगी, यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ पीच कलर का ब्लश, क्योंकि ये डे टाइम मेकअप लुक है तो इसीलिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ पीच कलर का ब्लशर। ठीक है, और ये जो ब्लशर है ना, द फैशन फैक्ट्री के ब्लशर है पैलेट है, और इसमें जो भी ब्लशर आते हैं बहुत ही अच्छे है, जो पिगमेंटेशन है बहुत ही ज्यादा लाइट है। आप ज्यादा भी अप्लाई करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइट कवरेज ही आपको मिलेगा इसमें। देन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर, सेम ग्लैम 21 के पैलेट से ही ये हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, और ये हाइलाइटर भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर आपने ये वाला पैलेट यूज नहीं किया तो ऑब्वियसली आप ऑनलाइन मंगवा के आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा पैलेट है ये, बहुत ही ज्यादा पसंद भी है। यहाँ पे जितना भी सेट है सभी सेट मुझे पसंद है। अभी बारी आता है आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ म्यूजिक फ्लावर की जेल आईलाइनर से, जिसका शेड है ब्राउन कलर में,
और इससे मैं अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूंगी। और हाँ, अगर आपको देखना है मैं कैसे अपनी आईब्रोज को फिल करती हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, तो मैं जल्दी जल्दी इसके लिए वीडियो लाऊंगी। तो हिलाई डोडे के पैलेट से मैं ये वाला सेट ले रही हूँ अपनी क्रीज लाइन पे। ट्रांजेक्शन सेट के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से ब्लेंडिंग करते हुए। देन मैं यहाँ पे सेम पैलेट से ब्लैक सेट ले रही हूँ, इसे मैं अपने ट्रांजेक्शन सेट के ऊपर अच्छे से ब्लेंडिंग करते हुए अप्लाई करूंगी, और ताकि कोई भी हर्स लाइन दिखाई ना दे। ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो सर्कुलर मोशन में ब्लेंडिंग करते हुए मैं अप्लाई कर रही हूँ। देन यहाँ पे मियोन के मेटलिक पैलेट से ये वाला सेट ले रही हूँ, इसे मैं प्लेस करूंगी अपने आईबॉल के ऊपर। अगर आपके पास कोई भी मेटलिक सेड होता है तो आप अपने फिंगर के हेल्प से अप्लाई किया करो, तब अच्छे से आपको पिगमेंटेशन मिल जाएगा। ब्रश की हेल्प से इतना ज्यादा पिगमेंटेशन अच्छा नहीं आता है। देन यहाँ पे मैं लैक्मे का आईलाइनर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है लैक्मे का लाइनर। मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ, बहुत सारे लाइनर है लेकिन मुझे पर्सनली यही लाइनर पसंद है। इससे मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है मैंने। देन यहाँ पे मार्स की काजल से मैं अपनी वाटर लाइन पे और अपनी लोअर आईलिड पे मैंने काजल अप्लाई किया है, और इसे स्मज करूंगी। जो हम लोगों ने ट्रांजेक्शन से लिया था उसी से ही मैं इसे स्मज करूंगी, ताकि थोड़ा स्मोकी इफेक्ट मिल जाए। देन मैं यहाँ पे ऑफलाइन पे ही मैंने आईलेस अप्लाई कर लिए हैं। यहाँ पे मैट लुक के मस्कारे से फेक आईलेस और रियल आईलेस को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देन अपनी लोअर आईलेस पे भी इसे अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, मस्कारा अप्लाई करने से एक अच्छा लुक मिल जाता है, और आपकी रियल आईलेस और फेक आईलेस मतलब डिफरेंस पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं रेड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, और ये जो रेड लिपस्टिक है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। आई थिंक ये अंडर 100 रुपीज में आ जाते हैं। शायद इसका नाम था एल्को मैट लिक्विड लिपस्टिक, ऐसे कुछ था। आप देख सकते हो लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ जाते हैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह वेयर कर ली है, सिंदूर के साथ अपने मेकअप कंप्लीट कर रही हूँ, और रेड कलर बिंदी ने तो पूरा चार चांद लगा दिया, आप तो खुद देख सकते हो। और ये है फाइनल लुक, कैसा लग रहा है आपको मेरा ये मेकअप लुक कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। और हाँ, अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने चूड़ी वगैरह भी पहन लिया है थोड़ा, इसीलिए आपको दिखा भी रही हूँ। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।